ये समझा ना सबको, 80,000 मैम एक डाउट है। हाँ बोलो मैम, उसने पहले 60,000 डाले थे और फिर उसने सिर्फ 20,000 ऐड किए, तो पूरा कैपिटल 80 कैसे आएगा? अभी अगर नेक्स्ट ईयर में वो एक भी पैसा नहीं डाल रहा है तो तब तो कैपिटल जो था वही रहेगा ना, तो फिर वो ऐड कैसे होगा? तो आप बोल रहे हो यहाँ पे 20,000 आना चाहिए। हाँ मैम, मेरा भी वही डाउट। अच्छा जितना अमाउंट आएगा उतना। हाँ हाँ अच्छा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया। देखो जब भी ना, ये यहाँ की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है तो इतने भी पार्टनर्स हो, सब अपना अपना अमाउंट डालते हैं बिजनेस में, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि कोई भी हो, जितना अपना अपना है उतना वो डालेंगे, जितना उनको चाहिए, ठीक है। अगर समझ लो 50,000 किसी ने डाला है, ठीक है, स्टार्टिंग में बिजनेस का स्टार्ट करते टाइम, या तो कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है, उसने लाया उतना 50,000, ठीक है। तो जो 50,000 उसने लाया है, जब तक हमें नहीं बोलते कि वो उसने निकाला है, तब तक हम कभी भी क्वेश्चन में ऐसा अज्यूम कर ही नहीं सकते कि उसने को निकाला है। अगर समझ लो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस के लिए फर्नीचर लगता है हमें, ठीक है, फर्नीचर परचेस कर दिया, ठीक है, वही कैश का, जो कैश लाया था उसका फर्नीचर परचेस कर दिया, तो वो अमाउंट कहाँ गया? उसको मिला, उसने निकाला, क्या बताओ? वो तो बिजनेस के लिए हुआ ना, है कि नहीं? तो वो निकालेंगे कैसे? कभी नहीं होता ऐसे, जो लाते हैं वो कभी नहीं निकालते, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता ही है वहां, वो कैसे गायब कैसे हो जाएगा बताओ? जो 60,000 था वो अपने आप कैसे गायब होगा? कोई ना कोई कहा ना कहीं ना कहीं यूज होगा ना उसका, चाहे कोई भी बिजनेस हो वो तो यूज होगा ही ना कहीं उसका। तो जो कैश लाते हैं वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, या कोई भी जैसा बिजनेस होगा उसका वैसा परचेस करते, ठीक है, तो उसके लिए वो यूज होगा, या तो और कोई चीज होगी। तो उसके लिए जब भी हम लाते हैं बिजनेस में, जो भी अमाउंट होगा वो हमेशा रहता ही है, जब तक बोला ना जाए कि जितना डाला था उतना विड्रॉ किया है। ऐसा जब तक नहीं बोलते तब तक आप कभी भी नहीं मानोगे कि वो निकाला गया है। अगर 60,000 है और कोई एडिशनल अमाउंट ला रहा है, तो ये 60,000 तो है ही, लेकिन वो अगर एडिशनल ला रहा है तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना तो डाला ही था, ऊपर से और क्या कर रहा है वो, और एडिशनल अमाउंट डाल रहा है, ठीक है। तो ये तो है, वो तो रहेगा ही, ऊपर से एडिशनल में क्या होगा, और डाल मतलब और इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी ने बोला है कि विड्रॉ किया है, तब ही आप जो था उसमें से विड्रॉ करोगे ना, कोई कैश मतलब और लाके तो विड्रॉ नहीं करोगे, जितना बिजनेस में होगा उसमें से ही विड्रॉ करोगे। तो जितना बिजनेस में होगा जब हम एडिशनल अमाउंट लाते वो तो रहेगा ही, ऊपर से और एडिशनल लाएंगे। समझा सबको? Yes, miss. ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखो, जो होगा ना, जो जितना भी लाएंगे ना, जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं देते कि वो विड्रॉ हुआ है, हम खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 80,000, 60,000 तो रहेगा ही, ऊपर से 20,000 एडिशनल है, इसीलिए यहाँ पे एडिशनल बोला है। नहीं तो डायरेक्टली बोलते ना कि उन्होंने 20,000 लाया, एडिशनल क्यों बोलते? क्योंकि ऑलरेडी एक अमाउंट लाया हुआ है, ऊपर से और ऐड किया है, इसीलिए उसे एडिशनल अमाउंट बोलते हैं। तो इसीलिए एडिशनल यहाँ पे 20,000 इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे 80,000 ही आएगा, ठीक है। तो आगे देखो, एट द एंड ऑफ द थ्री इयर्स, मतलब यहाँ पे जो कमल है, कमल ही है ना, हाँ कमल जो है, उनका जो था 90,000, ठीक है, 90,000 जो इन्वेस्टमेंट था उसमें नहीं कोई चेंज हो रहा है, कोई विड्रॉ भी नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर वन ईयर का है, ये सिर्फ वन ईयर का है, 80,000 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर का सिर्फ देखे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि कोई पार्टनर छोड़ नहीं रहा है बिजनेस, कोई भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 90,000 इंटू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया सेकेंड ईयर का, यस मिस, ठीक है। अभी थर्ड ईयर में क्या होगा? 90,000 जो है वो ही रहेगा ना, 90,000 कैपिटल था वो ही एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 80 था, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो 80 था अभी 60 नहीं आएगा, ये तो 20 था वो निकाला है, क्या नहीं निकाला है ना, तो जो 80 था वो ही थर्ड ईयर में भी आएगा, यहाँ पे 80,000 इंटू 12, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा,
प्लस 90,000 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा है राकेश का, ठीक है, रक्षा का, सॉरी राकेश का है रक्षा का, और ये है कमल का, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, ठीक है, समझा? ये जो लिखा है सबको समझा क्या यहाँ तक? बोलो। यस मैम। किसी को डाउट है इसमें? मैम, ठीक है, चलो। यहाँ पे देखो, जब भी ना, अगर आप यहाँ पे 12 है ना, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 8, मतलब यहाँ पे है 80,000, यहाँ पे भी 80,000 है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे भी 12 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जब भी ना कैपिटल, जैसे यहाँ पे है कैपिटल, तो आपका अगर सेम होगा, अगर आपका कैपिटल सेम होगा और मंथ सेम होगा, जैसे यहाँ पे 80,000 इंटू 12 है, तो आप डायरेक्टली दो साल का एक साथ भी लिख सकते हो, जैसे 80,000 इंटू 24 भी लिख सकते हो। 24 कैसे आएगा? दो साल का एक साल में अगर 12 मंथ्स है, तो दो साल का कितना आएगा, कितना मंथ्स आएगा? 24, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, वैसा भी चलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी 90,000 इंटू 24 लिख सकते हो, फिर आपको ये जो नीचे लिखा है लिखने का जरूरत नहीं है, वैसे भी चलेगा, लेकिन कब? जब ये जो कैपिटल है वो सेम रहेगा, तब ही आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो अलग था, यहाँ पे अलग है, इसीलिए मैंने इसका सेपरेट सेपरेट लिखा है। इसका आप सेम लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना कैंसिल कैसे करना है, आपको ना ये वैल्यूज को मत कैंसिल करो, ये जो दिख रहा है ना, सिर्फ 00 अगर कॉमन है ना, तो सिर्फ उसी को ही कैंसिल करो। यहाँ पे देखो सब में 40 दिख रहा है आपको, हर एक में 40 दिख रहा है, तो हर एक का 40 कैंसिल करो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 40 कैंसिल किया, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे कैंसिल कर रहे, तो यहाँ पे भी कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी डिवाइड मत करने जाओ, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे करोगे ना तो आंसर गलत आएगा। आपको अगर ऐसा बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना, तो 00 होता है ना, उसे कैंसिल करो, ठीक है, सब वो ज्यादा अच्छा है, 00 कैंसिल करो। यहाँ पे कितना आएगा 12 × 6, बताओ? 72 आएगा, प्लस 12 × 8 कितना आएगा? 84। यहाँ पे भी 96 आएगा, अगेन प्लस 96, ठीक है। अभी यहाँ पे बताओ 9 × 6 कितना आएगा? 54 आएगा, सही है, प्लस 12 × 108 प्लस 12 × 9 108। तो यहाँ पे एडिशन करोगे, बीच में प्लस है तो एडिशन होगा, बताओ कितना आएगा एडिशन? 264। यहाँ पे 264 आएगा, हाँ मैम, हाँ हाँ सही है, 264। यहाँ पे कितना आया? 270। तो और डिवाइड होगा क्या, बताओ? अगर डिवाइड हो रहा है तो जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड करो, यहाँ पे दिख रहा है ना, चलो कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 2 से 4 से देखो हो रहा है क्या, यहाँ पे 4 से हो जाएगा शायद, नहीं, टू से करते। यहाँ पे कितना आएगा? 132 आएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आएगा? 135, ठीक है। और देखो तीन से होगा डिवाइड, थ्री से करो, यहाँ पे कितना आएगा? 44 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45, 44 और 45 मिल गया। फिर रेशो किसका मिला? रक्षा एंड कमल का रेशो मिल गया 44:45। अभी टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 71,20,000, ठीक है, 71,20,000 है, तो ये जो है वो टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 44 + 45 कितना होगा? 89। और हमें किसका चाहिए वैल्यू? रक्षा का,
रक्षा का ये वाला साइड मतलब ये वाला साइड 44 आएगा, तो 44 का वैल्यू कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। मैम दिख नहीं रहा है, मैम नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? हाँ मैम। चलो यहाँ पे ना 89 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, यहाँ पे 89 से डायरेक्ट डिवाइड करो कितना आएगा, 712 देखो 89 के टेबल में कब आएगा, देखो 8 करके देखो 8 करके त्रिज्या त्रिज्या नहीं नहीं 8 करो 8 89 इनटू 8 करो देखो 712 आ रहा है क्या, आ रहा है ना 8 किया तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्टली 8 से डिवाइड हो रहा है और ये जो 4 जीरो है एज इट इज आएगा ठीक है, 44 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ₹35,20,000 होगा हमारा आंसर। ठीक है समझा सबको, ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन था, ये तो ऐसा प्रीलिम्स में कभी नहीं आएगा, आएगा तो मेंस में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ठीक है, मेंस में ही आएगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेंस में आएंगे आपको, प्रीलिम्स में नहीं आएंगे। मैम कमल का 36 लाख आएगा, कमल का 36 आ रहा है इंटू 45 आएगा ना यहाँ पे, हाँ हो सकता है 36 हो सकता है मैम, एग्जैक्टली 36 लाख, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ, 6 महीने से जो फर्स्ट ईयर उसको 6 2 12 करके, फिर से बोलो आपका आवाज अटक रहा है, बोलो फिर से, फर्स्ट ईयर में देखो आपने 12 और 6 लिखा है तो उसमें डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते क्या 6 से, नहीं 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 मत करो, जब ऐसा आएगा ना ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है ना यहाँ पे प्लस प्लस है तब रॉन्ग ही होता है, ऐसे मत करो, सिर्फ जीरोस है ना उसको ही कैंसिल करो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। मैम बट सब इसमें फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इसमें 6 कॉमन लिया तो हो सकता है ना मैम, हाँ लेकिन एक्चुअली उसमें और उल्टा मैम कैलकुलेशन इजी होगा, नहीं लेकिन ये अगर आप ये कट करते हो ना, नहीं वो वाला नहीं मैम, जो मंथ कट कर सकते हैं ना और रेशियो निकाल सकते हैं मैम, मंथ का कर सकते हैं, मंथ से तो रॉन्ग तो नहीं आएगा, मंथ से रॉन्ग ही आएगा, ये कट करोगे तो रॉन्ग आएगा, मंथ हाँ से तो वही, नहीं आएगा, मंथ से कट करने का पूछ रहा हूँ मैं, हाँ तो चलेगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली फिर 6 × 1 हाँ 1 × 2 × 2 डायरेक्टली लेना पड़ेगा, हाँ वैसे भी आएगा आंसर, वैसे भी आएगा ठीक है करोगे तो चलेगा, लेकिन बस इसको टच मत करो, बाकी वो मंथ का करोगे तो चलेगा, आएगा रॉन्ग नहीं आएगा। मैम जो रहता है कि आफ्टर 6 मंथ्स उसमें मैम 6 मंथ्स ही लेने का ना, आफ्टर 6 मंथ्स ही लेने का ना, फॉर एग्जांपल 9 मंथ रहेगा तो फिर इनटू 9 आएगा ना, 9 मंथ्स होगा तो ना इनटू 9 आएगा, सही है मैम 3 आएगा ना, 9 मंथ्स वो डायरेक्टली 9 मंथ्स बोल रहे हैं, आफ्टर 9 मंथ्स After 9 months, वो तो डिपेंड करता है after 9 months के बाद join कर रहे या leave कर रहे, left कर रहे, नहीं नहीं join 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 कर रहे, तो 9 months के बाद 9 months के बाद join, तो यहाँ पे 3 आना है, 3 आएगा वहाँ पे, मैम 12 के प्लेस पे 1 नहीं ले सकते क्या, कहाँ पे 1 बोल रहे हो, 12 months है ना तो मतलब 1 year ही होता है ना, नहीं नहीं फिर यहाँ पे हाफ लेना पड़ेगा, फिर 1/2 लेना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे हाफ लेना पड़ेगा। मैम 3 कैसा आएगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 9 months के बाद आफ्टर 9 months ज्वाइन हो रहा है एक पार्टनर, हाँ तो अपने ईयर में कितना मंथ्स होता है, 12 होता है ठीक है, 9 months के बाद ज्वाइन हो रहा है ना, 9 months के लिए ज्वाइन हो रहा है क्या, नहीं
वो 9 months के बाद जो 3 months मैम इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लो ना इसी टाइप का एक सेकंड देखने को मैम मैम वो कैलकुलेशन में 89 कहाँ से है मुझे क्लिक नहीं हो रहा है 89 ये वाला 89 ना ये वाला दोनों का एडिशन 44 प्लस 45 क्योंकि ये जो है ना हमारा प्रॉफिट है वो दोनों का है ना तो वहां पे भी दोनों के रेशियो का टोटल करेंगे ठीक है सर मैम ये प्री में नहीं आएगा ना मैम ये नहीं प्रीलिम्स में नहीं आएगा ऐसा एक्चुअली ये टाइम जाएगा इसमें तो प्रीलिम्स में नहीं मेंस में आ सकता है मैम हाँ बोलो ये मंथ का कट करके आंसर अलग आ रहा है क्या अलग आ रहा है नहीं नहीं, हाँ, नहीं एक बार ओ, कट करके देखो ना मतलब ये जो रहा लेंथी मतलब कैलकुलेशन हो रहा है ना मतलब मंथ सिर्फ ये हमने कट किया क्या यहाँ पे कट किया है क्या बताओ नहीं नहीं वो नहीं किया हमने ये मतलब 12 है ना हाँ 12 दोनों का कैंसिल किया एंड 12 एंड 6 है ना उधर वो भी कैंसिल किया हाँ वही मेरे को बोलना है कि मतलब कैंसिल जल्दी आएगा ना देखो यहाँ पे क्या किया आपने वन किया होगा सिक्स इंटू वन नाइन इंटू वन कितना हो जाएगा नाइन ठीक है यहाँ पे 9 × 2 होगा 18 आ जाएगा यहाँ पे भी 9 × 2 होगगा क्योंकि 6 × 2 होता है 12 ठीक है यहाँ पे भी क्या आएगा 18 आएगा मैम 9 × 2 क्यों किया 9 × 6 नहीं वैसे नहीं करना है 6 × 1 6 × 2 एंड 6 × 2 6 × 2 6 × 2 एंड 6 × 2 मैम मैंने वैसे नहीं किया मतलब फर्स्ट ईयर का है ना राकेश एंड बाजू वाला ने उससे कैंसिल किया नहीं वैसा मत करो सबका करना पड़ेगा आपको सबका करना पड़ेगा सिर्फ एक किसी एक का करके नहीं चलेगा मैम आपने बोला था ना ब्रैकेट कैंसिल कर सकते नहीं वो मैंने ब्रैकेट का कैंसिल नहीं किया बिल्कुल भी ऐसे मत समझो यहाँ पे मैंने अलग है ना प्लस अलग ही होता है प्लस एकदम अलग है 6 × 1 सबसे कैंसिल किया सब में से 6 से कैंसिल किया यहाँ पे 3 बार किया यहाँ पे भी तो 3 बार किया ना ब्रैकेट में मैंने नहीं किया वैसे मत समझो देखो यहाँ पे बीच में प्लस है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप यहाँ पे एक करोगे वहां पे एक करोगे प्लस मतलब सेपरेट ही हो गया सब सेपरेट हो गया यहाँ पे आपको 6 में से कैंसिल करना पड़ेगा समझ में आया 6 में से हाँ बोलो थर्ड ईयर का थर्ड ईयर के साथ कर सकते ना मतलब क्या है वो नाम लिख का आर एंड के भी है ना करना पड़ेगा प्लस है बीच में अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हम जैसे करते थे वैसे करते लेकिन यहाँ पे प्लस है प्लस का बहुत अलग होता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं आता जब भी हम कट करते हैं कोई भी प्लस वाली वैल्यू तो उसे कॉमन निकाल के कट करते हैं मैम आपका वॉइस आपका आवाज नहीं आ रही है मैम वॉइस मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपका वॉइस गया अभी आ रही है हाँ मैम यस मैम अभी बताओ अभी आ रही है आ रही है ना क्लियर है बताओ मैम ये ना मुझे प्लस एंड मल्टीप्लाई का आप जो बोल रहे हैं ना मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है मतलब लास्ट समय आपने कैसे बोला था मतलब 80,000 है ना 80,000 × 12 एंड 90,000 थर्ड ईयर का वो कैंसिल कर सकते हैं ना 12 मंथ है तो ऐसा मैं बोल रही वैसा मेरे को कंफ्यूजन है कि मतलब मल्टीप्लाई में एंड प्लस में क्या बोल रहे हैं आप देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन हो
तो हम कैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था वो भी सही था, ये मैं आपको बोल रही हूँ वो भी सही है, क्योंकि वहां पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था और वहां पे ए अलग पार्टनर था, बी अलग पार्टनर था, तो हम ए में से जितना डिवाइड करेंगे उतना ही डिवीजन हमें बी में से भी करना होगा जब मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस का अलग होता है, प्लस अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है। प्लस में हम जब भी कट करते हैं, कोई भी वैल्यू को कट करते हैं, तो उससे हम कॉमन निकाल के कट करते हैं, डायरेक्टली कभी भी कट नहीं करते हम, ठीक है, समझा आपको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सिक्स, ये मैंने कैंसिल किया हर एक में, ये बॉक्स के अंदर या तो सर्कल के अंदर मैंने कट नहीं किया है, इसे मैंने कॉमन निकाला है, कॉमन निकालने के बाद कट किया है, इसीलिए मैंने बोला इसको कट मत करो, क्योंकि ये बीच में जब प्लस होता है तो डायरेक्टली कट नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे देखो चार जीरो हर एक में था, इसीलिए मैंने हर एक में से कट किया। यहाँ पे जो दिख रहा है ट्वेल्व, वो डिविजिबल था सबसे, जैसे सिक्स है, सिक्स से ट्वेल्व जाएगा, यहाँ पे सब ट्वेल्व है, वो डिविजिबल था, वो और अलग निकाल के, सेपरेट निकाल के हम कट कर रहे, वो अगर लिखने जाए हम तो पूरा का पूरा पेज भर जाएगा, यहाँ पे दो बोर्ड लगेगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा वो, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बताया, अगर आप जब भी प्लस है बीच में, ठीक है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो आप कैंसिल करते हो, तो मल्टीप्लाई के मेथड से कैंसिल मत करो, प्लस अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, उसमें जब भी कैंसिल करते हैं तो कॉमन निकाल के ही कट कर सकते हैं, डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी आपको सिंप्लीफिकेशन में भी बोला है हमेशा कि जब प्लस होता है, जैसे मैंने फ्रैक्शन हम लेते थे, फ्रैक्शन में जैसे हो गया 2/3 प्लस 3/5 ऐसे हो गया, मैंने बोला था क्या ये कैंसिल हो सकता है, हम एलसीएम क्यों निकालते ऐसे टाइम पे, कट कर सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे समझ लो 3/3 में कैंसिल कर सकते हो, लेकिन होता था ना मैम, हाँ यहाँ पे 3/3 कैंसिल हो सकता है, दिख रहा है ना आपको, क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में प्लस है, अगर इसके जगह पे मल्टीप्लिकेशन होता तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाता और आंसर क्या आता, 2/5 आता, लेकिन प्लस होगा तो हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे 2/3 2/3 और मिडल में प्लस है तो हम एलसीएम क्यों निकालते, टाइम पास करते हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं टाइम पास नहीं करते हम, 5/3 का एलसीएम निकाल के क्यों करते, डायरेक्ट भी तो कैंसिल कर सकते हैं ना वैसे, तो प्लस का अलग मेथड होता है, प्लस अलग है, मल्टीप्लिकेशन अलग है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस में डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैंने बोला कि इसको मैंने क्यों नहीं बोला, फिर कट करने के लिए इसको मैंने क्यों बोला कि ये आप ऐसे ही रखो तो आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो है आप कट कर सकते हो कॉमन निकाल के, इसे कॉमन निकाल के नहीं कर सकते, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से लिखो वो और उसका ऐड करके डिवाइड करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, और ये जो है ना मैंने सब में बोला है तो आपको सब में करना ही पड़ेगा, किसी एक में या दो में या तो यहाँ पे ही किया वैसे नहीं चलेगा, सब में करना पड़ेगा, सब सेपरेट हो जाते हैं, जब बीच में प्लस आता है तो हर एक जो यहाँ पे लिखा ना सिक्स टाइम्स, ये तीन है सब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, समझ में आया सबको मैम, मंथ का कट किया ना तो इजी होता है थोड़ा कैलकुलेशन, हाँ इजी होता है, लेकिन वो हर एक में करना पड़ेगा फिर आपको, तो मैंने रॉन्ग बोला ही नहीं उसको, वो यहाँ पे देखो आप जो कर रहे थे ना यहाँ पे, जिन्होंने भी बोला यहाँ पे सिर्फ किया ना तो वो नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा करना है, ये वाला जो है ये इसी को ही क्यों कट करना है, एक को किया तो यहाँ पे ही नहीं कर सकते, हर एक में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब में से कॉमन लेना पड़ेगा तब ही हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है इसीलिए। मैम मेरा डाउट वही है कि मतलब हमने फर्स्ट ईयर में कैसे किया, सिक्स एंड ट्वेल्व को कैंसिल कर सकते, मेरे को वही पूछने के सेकंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में क्यों नहीं कर सकते ट्वेल्व कैंसिल, सब में करना ही पड़ेगा हमें, यहाँ पे सब में करना पड़ेगा, किसी एक में करके नहीं चलेगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, वहां पे प्लस नहीं था, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम अलग अलग, जैसे मैंने बोला था कि सब दोनों में कॉमन डिवाइड होना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी डिवाइड होना चाहिए, वहां पे भी होना चाहिए, लेकिन वहां पे डायरेक्टली कट कर सकते हो, यहाँ पे प्लस है ना तो डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, समझा, जब भी प्लस है याद रखो,
ये वाला जो है ना, ये याद रखो, आप जब भी प्लस होगा तो डायरेक्टली हम कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल कर रहे हो तो हर एक में से कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने 6 into 1 किया तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में करना पड़ेगा, सब सेपरेट हो जाएगा, सब इंडिविजुअल हो जाएगा। ये जो 6 दिख रहा है ना आपको, पूरा का पूरा सब अलग अलग है। भले ये रक्षा का है, वो तो रक्षा का है ही, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट है रक्षा में, कोई एक पार्ट नहीं है। इसीलिए तो डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर मत करो, ऐसे मत करो कि 6 into 1 6 into 2, वैसे मत करो। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो सब में करो, सब में करना पड़ेगा। मैम अगर हम लोग ने मंच कट कर रहे हैं तो हम लोग का 44:45 बहुत जल्दी आता। हाँ तो वही ना, लेकिन मैंने क्या बोला, सब में करो तो 44:45 आएगा। तो मैम समझा समझा, पूरा समझा मैं, जस्ट ऐसे ही बोला। अच्छा ठीक है, तो 44:45 आ रहा है ना, तो आपको अगर समझा है तो आप ये कर सकते हो, मैं हर एक में कर सकते हो। 3 ईयर का दिया तो भी कर सकते हो, जिनको समझा है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो, आप ऐसे कट मत करो, ठीक है, ऐसे कट मत करो। करना है तो सब में करो, जब मिडल में प्लस होगा, ठीक है, मिडल में प्लस होगा तो सब में करो। चलो हो गया लिख के, हाँ मैम ठीक। देखो यहाँ पे मैंने कॉमन कैसे निकाला, जैसे एग्जांपल देखो, 2x+6y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ये वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता ना, डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने अभी जो किया था वो कैसे किया था, देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा, x+3y। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 2 into x कितना होगा, 2x, बीच में आएगा प्लस, 2 into 3 कितना होगा, 6y हो गया, ये सेम वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, x+3y, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आया था, जो हमने 6 12 12 किया है वो इसी मेथड से किया है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बीच में प्लस है, यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो यही वैल्यू आएगा। कॉमन निकाल सकते हो, अगर दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया। और डिविजन में तो 2 था, वो तो एज इट इज लिख दिया, अभी 2 कैंसिल हो गया, वो ही कैंसिलेशन वहां पे हुआ था, तो दोनों में भी किया हमने यहाँ पे, तो वैसे ही कॉमन निकाल के वो कैलकुलेशन किया था हमने, ठीक है। जैसे 6 12 12 सब कॉमन निकाला, उसमें से 12 कॉमन नहीं था, उसमें से 6 कॉमन निकाला हर एक में से, और 6 से सब डिवाइड किया, इसीलिए 12 के जगह पे जब हमने कट करके 2 लिखा था, वो इसीलिए लिखा था क्योंकि वो 6 से डिवाइड हुआ था, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में बहुत डिफरेंस होता है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, वैसे प्लस में नहीं कर सकते। मैम मतलब प्लस रहेगा बीच में तो वर्टिकली कैंसिल कर सकते ना, ऐसे ही ना, एंड मल्टीप्लाई रहेगा तो हॉरिजॉन्टली कैंसिल करने का, इन शॉर्ट मतलब वैसे भी याद रख सकते हो आप, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है।
लेकिन वहां यहाँ पे तो वैसे ही होगा, आप जैसे बोल रहे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वैसे कर सकते हैं, लेकिन हर एक में से करना है। जैसे सिक्स से डिवाइड किया, हर एक में से किया, एक भी नंबर को वैल्यू को नहीं छोड़ा मैं। जैसे ट्वेल्व था तो सब में से ट्वेल्व से डिवाइड किया सिक्स को, तो वहां पे आएगा टू और सिक्स के जगह पे आएगा वन। A and B entered into a partnership investing rupees 16,000 and rupees 12,000. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 while B invest rupees 5,000 more. एक मिनट। After 3 more months, C join the business at a capital of 21,000. These shares of B exceed that of C, but out of total profit of rupees 26,400 after 1 year.
जैसे क्वेश्चन दिया है ना वैसे ही करना है आपको, जैसे स्टेप बाय स्टेप वैसे ही जाना है। मैम 3600 वेरी गुड, सही है, वेरी गुड बादल। और किसी का आया? मैम 3600 वेरी गुड कोमल, सही है। वेरी गुड अजय, सही है। मैम वो एक्सीड मतलब डिफरेंस ही होता है ना? हाँ डिफरेंस ही होता है। अच्छा चलो, और किसी का आया मैं बता दूं, बोलो और कोई कर रहा है? मैम वो अड्डा 247 में चैप्टर वाइज नहीं होते ना क्वेश्चंस? चैप्टर वाइज हो सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला पर। नहीं मेरा है? नहीं फिर नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन होता है, मैंने ऐसा देखा तो था। ऐसे क्विज होता है कभी कभी, उसमें आता है चैप्टर वाइज, लेकिन वो डीआई वगैरह ज्यादा आता है, डीआई सिंपलीफिकेशन सीरीज वो सब ज्यादा आता है। हाँ वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत पूछते हैं। हाँ इम्पोर्टेंट है ना वो भी, इसीलिए। चलो बाकी सब बताओ, आया? चलो मैं बताती हूँ। पार्टनर्स है ए बी सी, ठीक है, ए बी, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 16,000, यहाँ पे आएगा 16,000 एंड बी का है 12,000, यहाँ पे आएगा 12,000। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद क्या हुआ, ए ने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, 5,000 विड्रॉ किया, ठीक है। तो ये 16,000 पहले था, 3 महीने के बाद विड्रॉ किया, तो ये 16,000 कितने मंथ्स के लिए होगा? थ्री मंथ, बताओ, थ्री मंथ के लिए होगा? सेवन नहीं होगा, तीन मंथ के बाद विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे 3 मंथ्स आएगा, 16,000 इंटू 3। मैम बट 7 मंथ, 3 मंथ के बाद विड्रॉ किया है ना, हाँ
सेवन मंथ तो रहेगा ना वहां पे मैम। विड्रॉ किया मतलब निकाल लिया ना। हाँ निकाल लिया, 5,000 ही विड्रॉ किया, विड्रॉ किया, सॉरी 5,000 ही किया है वो तो है, लेकिन ये तो 3 ही आएगा फिर भी। तो मैम 16,000 माइनस 5,000 फिर होगा ना मैम इनटू 3। हाँ वो तो बाद में होगा ना, पहले 16,000 इनटू 3 आएगा ना। हाँ मैम यहाँ 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है चलो। और यहाँ पे बोला है कि ए ने विड्रॉ किया है 5,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए। तो इसके बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5,000 विड्रॉ किया मतलब 16,000 माइनस 5,000 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 11,000 आएगा, 11,000 आएगा, ठीक है। 11,000 सबको समझा क्या, बोलो। यस मैम। हाँ मैम माइनस होगा 5,000। हाँ माइनस होगा। व्हाइल बी इन्वेस्ट 5,000 मोर, तो सेम जैसे ए के लिए बोला है सेम टू सेम बी के लिए बोला है, तो यहाँ पे कितना मंथ आना चाहिए 12,000 का, थ्री मंथ्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 मंथ्स। इसके बाद बी का भी सेम हो रहा है, बी ने क्या किया है, लेकिन बी ने इन्वेस्ट किया है मोर, इन्वेस्ट 5,000 मोर, तो यहाँ पे कितना आएगा 12,000 ना, बी ने तो कुछ निकाला नहीं है। यहाँ पे देखो ना, वाइल सेम एट द सेम टाइम बी इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर, मैम प्लस हो जाएगा ना 5,000 और। हाँ लेकिन ये तो 3 मंथ्स के लिए आएगा ना। हाँ ये 3 मंथ क्यों आएगा, 12,000 प्लस 5,000 यहाँ पे आएगा 17,000। समझा आपको 12,000 कैसे आया 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स ही आएगा ना। जैसे अगर ए के लिए 3 मंथ्स आ रहा है तो बी के लिए भी 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटेंस, यहाँ पे कम्प्लीट हो रहा है, यहाँ पे कम्प्लीट नहीं हो रहा है। 3 महीने के बाद क्या हुआ, ए ने विड्रॉ किया और उसी टाइम पे बी ने क्या किया, एक्स्ट्रा लाया, कितना लाया 5,000 लाया, ठीक है, समझा भी। तो यहाँ पे 3 मंथ्स ही आएगा, 7 मंथ्स नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, 3 महीना तो हो गया था और 3 महीने के बाद 3 मोर बोला है, मतलब यहाँ पे देखो आफ्टर 3 मंथ्स हुआ है, उसके बाद आफ्टर 3 मोर मंथ्स मतलब कितना मंथ्स होगा, 6 मंथ्स होगा। सी ज्वाइन दी बिजनेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, सी ने ज्वाइन किया 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, कितना कैपिटल आएगा 21,000। कितने मंथ्स के लिए आएगा, 6 मंथ्स के लिए आएगा, यहाँ पे आएगा इंटू 6 मंथ्स हो गया। उसके बाद जो बच्चा है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, और आफ्टर 1 ईयर का ही बोल रहे, तो यहाँ पे 2 इयर्स 3 इयर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टोटल 1 ईयर है, इसीलिए यहाँ पे 6 इयर्स आएगा, ठीक है, 6 मंथ्स आएगा। यहाँ पे कितना आएगा फिर, 3 कितना मंथ्स आएगा, 9 मंथ्स क्यों आएगा, हाँ मैम 9 मंथ। 9 + 3 कितना होता है 12 ना, 1 ईयर तभी तो कंप्लीट होगा ना, क्योंकि किसी ने भी बिजनेस छोड़ा नहीं है, सब है, ठीक है। ये हो गया ए का पार्ट, ये हो गया बी का पार्ट, ये हो गया सी का पार्ट। इसमें किसी को डाउट है बोलो। मैम सी में कुछ ऐड नहीं होगा ना, मैम सी में 20 6 नहीं होगा ना, क्योंकि पहले ऑलरेडी 6 महीने कवर हो गया, तो वो दूसरा उसका पार्ट नहीं आएगा ना। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, 6 महीने स्टार्टिंग के 6 महीने तो सी था ही नहीं, लास्ट के 6 मंथ्स में था, तो वो ही लास्ट के 6 मंथ्स लेके, स्टार्टिंग में तो था ही नहीं ना सी, तो ठीक है। और यहाँ पे 9 मंथ्स सबको समझा, 9 कैसे आया, यस मैम, क्योंकि 1 ईयर के बाद हो रहा है, 9 + 3 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सॉल्व करना है हम, ठीक है, ये सॉल्व हमें करना है। देखो 3 जीरो सब में से कट कर दो, 3 जीरो कट कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 जीरो कट कर दो, यहाँ पे भी 3 जीरो कट होगा, यहाँ पे भी 3 जीरो कट होगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको कट करना है मंथ्स को, तो 3 से हर 1 में कट कर सकते हो, कट करना है या नहीं बता दो मुझे। नहीं मैम करना है, ऐसे करना है, हाँ मैम कट करके करो, मैम कट कर दो ना, कट करते, चलो चलो। यहाँ पे आएगा 3 × 1, यहाँ पे आएगा 3 × 3 9, 3 × 1 होगा 3, 3 × 3 हो जाएगा 9, और 3 × 2 होगा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1 6 16,
16 प्लस 11 इनटू 3 कितना होगा 33 ठीक है ये मिल गया हमें a का वैल्यू ठीक है 49 लिख देते हैं यहाँ पे 49 यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा 12 प्लस 17 इनटू 3 कितना होता है बोलो बोलो 51 ना यहाँ पे 21 इनटू 2 कितना हो जाएगा 42 अबे इन दोनों का इसका एडिशन कितना हो गया 49 हो गया इसका एडिशन बताओ कितना होगा 63 टोटल 154 49 63 और ये 42 भी आएगा ठीक है पहले ये डिवाइड हो रहा है क्या देखो ऐसे कौन से वैल्यू से डिवाइड हो रहा है 7 से हो रहा है यहाँ पे कितना आएगा 7 9 यहाँ पे 6 सबका एडिशन कितना हो रहा है 22 ठीक है सबका एडिशन यहाँ पे हो रहा है 22 हमें दिया क्या देखो दी शेयर्स ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी बट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 26,400 आफ्टर वन ईयर मतलब ये जो वैल्यू दिया है ना आपको वो टोटल प्रॉफिट का दिया है टोटल प्रॉफिट बोला है यहाँ पे 26,000 टोटल प्रॉफिट है और यहाँ से यहाँ तक क्या बोला है ये आपको फाइंड आउट करना है शेयर्स ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी मतलब किसी एक के बारे में नहीं बोला बी के बारे में एक के बारे में सी के बारे में नहीं बोला यहाँ पे बोला है जो शेयर है ना बी का वो कितने से ज्यादा हो रहा है सी से तो यहाँ पे देखो ये क्या है ए है ये है बी और ये है सी ठीक है और टोटल है हमारा 22 तो 22 का वैल्यू कितना है हमारे पास देखो 400 है ना 22 का वैल्यू 26,400 है और हमें क्या चाहिए B से कितना ज्यादा B कितना ज्यादा है C से देखो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है ना C अगर 6 है तो यहाँ पे 9 क्या है B है ना तो कितना ज्यादा है 3 से ज्यादा है ना क्योंकि यहाँ पे कितना ज्यादा है वो पूछा है किसी एक के बारे में पर्टिकुलर के बारे में नहीं पूछा है B कितना ज्यादा है C से ये क्वेश्चन पूछा है हमें ठीक है और टोटल प्रॉफिट ये दिया है हमें तो यहाँ पे 6 9 - 6 कितना होगा 3 होगा तो अगर 22 का वैल्यू 26,400 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 26,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 22 से डायरेक्ट डिवाइड करो यार देखो कितना आएगा 22 इंटू 1 22 एंड 20 इंटू 2 मतलब 1200 आएगा यहाँ पे 12 इंटू 3 कितना होगा 36 और 2 जीरो आ जाते हैं 3600 होगा हमारा आंसर किसी को डाउट है इसमें मैम एक बार एक्सप्लेन करो ना वो अपने वो एक्सीड वाला पॉइंट एक्सीड वाला अच्छा ये तो ये जो वैल्यू दिया ना आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है मतलब ये वाला तो हमारा टोटल प्रॉफिट है और उन्होंने बोला है अगर टोटल प्रॉफिट है आपका 26,400 तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है कि सी से ज्यादा कितना ज्यादा है बी की शेयर्स ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी तो यहाँ पे एक्सीड मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली डिफरेंस निकालना होता है आपको इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि सी से कितना ज्यादा है बी सी से कितना ज्यादा बी है तो यहाँ पे रेशो में कितना ज्यादा है अगर सी 6 है बी 9 है तो देखो कितना ज्यादा दिख रहा है अपन कितना ज्यादा दिख रहा है 3 से ज्यादा तो ये भी 3 यहाँ पे लिखा है कि अगर 22 का वैल्यू 26,400 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा ठीक है ये करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हम दोनों का फाइंड करके डिफरेंस नहीं निकाल सकते हाँ, अगर निकाल ये फाइंड नहीं हुआ तो नहीं नहीं निकाल सकते हो फिर आपको क्या करना पड़ेगा 22 का वैल्यू 26,400 है फिर 9 बी का निकालोगे 9 का वैल्यू कितना होगा फिर से 6 का निकालना पड़ेगा 9 का वैल्यू कितना होगा और उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी 3600 ही आएगा तो भी रॉन्ग नहीं रॉन्ग मेथड नहीं है वैसे भी कर सकते हैं और किसी को डाउट है इसमें मैम वो ईयर का समझाना थोड़ा वो स्टार्टिंग का यहाँ पे देखो ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू ठीक है मैंने लिख दिया 16 एंड 12 ठीक है
आफ्टर थ्री मंथ्स ए विथड्रॉ 5000, 3 महीने के बाद विथड्रॉ हुआ है, इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली मतलब क्या निकलता है कि ये जो 16,000 था वो तो 3 मंथ्स के लिए रहेगा ना, क्योंकि 3 मंथ्स तक उसने टच भी नहीं किया था, जो अमाउंट उसने लाया है उसे उसने टच भी नहीं किया था, तो 3 मंथ्स के लिए तो ये रहेगा ना अमाउंट, इसलिए इंटू थ्री लिखा। यहाँ पे उसके बाद प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्लस माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पहले 16,000 था, अभी क्या हो रहा है 11 हो रहा है। 11 कैसे होगा? 5,000 विड्रॉ किया मतलब निकाल दिया, पहले 16,000 था, 16 में से 5,000 निकालोगे 11,000 आएगा, और टोटल जो प्रॉफिट है 1 ईयर के बाद बोल रहे, अगर ये 3 मंथ्स के लिए था तो कितना मंथ बचेगा? 9 मंथ बचेगा, वही 9 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बी का भी वैसे ही आएगा सेम, बस यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि और ला रहे ना और इन्वेस्ट कर रहे 5000, तो यहाँ पे 12,000 प्लस 5000 आएगा 17,000, बाकी ये दोनों सेम है, क्योंकि जब ए ने विड्रॉ किया। हाँ बोलो। सी का 6 कैसा है? इनटू 6 देखो, 3 मंथ्स का बात हो गया, ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया, देखो आफ्टर 3 मोर मंथ्स बोला है, मोर मंथ्स मतलब ये 3 मंथ्स हो गया, उसके बाद 3 और मंथ्स मतलब कितना होता है 6 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, इसलिए बचा हुआ 6 है ये, ज्वाइन करने के बाद नहीं, जो बचा हुआ 6 3 मंथ्स हो गया वो 12 में से माइनस करने के बाद जो 6 आएगा वो 6 है, पहले वाला 6 नहीं, लास्ट वाला 6 है, 6 मंथ्स के लिए था वो वाला है। ओके थैंक यू मिस। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछता कि ना ए कितना कम है बी से, तो फिर क्या मतलब क्या लेना चाहिए था 3 के जगह पे? आप बताओ क्या लेना चाहिए था? मैम मेरे हिसाब से तो 2 लेना चाहिए था। सही है, 2 ही लेना चाहिए था। अच्छा 2 लेते। मैम वो 3 के रेशियो में आऊंगी। 3 क्या बोल रहे हो? मल्टीप्लाई किया ना मैम 326400 ये वाला ना। Yes, yes, yes. जो पूछा है वो ही किया है कि जो बी है वो कितना एक्सीड करता है सी से। यहाँ पे सी का वैल्यू हमारे रेशियो में कितना है 6 है, बी का वैल्यू देखो 9 है, तो कितना ज्यादा है बी सी से? 3 से ज्यादा है ना। okay, तो वो ही पूछा है क्वेश्चन, इसीलिए 3 लिया था। okay. मैम। हाँ बोलो। मैम ये आज का वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कभी करोगे? शाम तक हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें? चलो ठीक है, रख कर दो इसे, हो गया सबका, लिख के बताओ। एक सेकेंड, क्वेश्चन रख कर दूं। मैम पूरा ही रख कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ
कैपिटल फॉर 15 मंथ्स एंड बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट फाइंड how long B's money was used. मैम 10 months टेन सही है. वेरी गुड बादल, सही है. नजर के सामने तो ठीक है. महेश्वरिनी आपका आवाज आ रहा है. ओ मैम 10 months. वेरी गुड, सही है. और किसी का आया बताओ. चलो बता दूं मैं. बोलो बी का मंथ्स पूछा है यहाँ पे. बीज मनी वॉज यूज लेकिन हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पे आपको मंथ्स पूछा है कितना आएगा बी का मंथ्स. और सबका रेशियो दिया आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया. मंथ्स और टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा?
बताओ, अगर प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो है कैपिटल इनटू टाइम, तो हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल सही है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मंथ्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ्स। मतलब यहाँ पे बोला है ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कैपिटल कितना, 1/4 ऑफ द कैपिटल, जितना टोटल कैपिटल है, मतलब टोटल कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैपिटल होगा 4, टोटल कैपिटल होगा 4, यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा 4, उसमें से 1 किसने कंट्रीब्यूट किया है, ए ने किया है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 3। सब लोग बताओ, 3 आना चाहिए, 1+3 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 15 मंथ्स के लिए किया है, ठीक है, ए का वैल्यू 15 मंथ्स है, लेकिन मंथ्स का टाइम का वापस से रिपीट करो ना, समझाने। देखो यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स है, ए ने कंट्रीब्यूट किया है 1/4 ऑफ द कैपिटल, मतलब 1/4 ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का 1/4, मतलब ये जो 4 दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल, ए और बी दोनों का कैपिटल होगा 4, उसमें से 1 जो है, 1/4 का 1/4 कितना आएगा, 1 आएगा ना, वो 1 किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ए ने, तो वो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 किसका कैपिटल होगा, बी का। ठीक है, आगे देखो 15 मंथ्स किसका दिया है, ए का, ए के बारे में दिया है कि ए ने 15 मंथ्स के लिए ये किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है, और बी, बी ने क्या रिसीव किया, देखो बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, अगर 4 यहाँ पे कैपिटल है तो प्रॉफिट तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का भी रेशियो मिल जाएगा, प्रॉफिट है 3, टोटल प्रॉफिट है 3, यहाँ पे आएगा 3, जैसे मैंने 4 लिखा था कैपिटल के बारे में, तो बी ने रिसीव किया है 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट यहाँ पे 3 है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल 2 होगा, 2 किसका वैल्यू आएगा, बी का, तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमें प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल मिल गया, लेकिन ये दोनों का दोनों क्या है, रेशियो है। अगर हमें मंथ और टाइम चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। ठीक है, ये है प्रॉफिट का रेशियो, डिवाइड क्या कर देंगे हम, कैपिटल, कैपिटल डिवाइड होगा, मतलब ये ही डिवाइड होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा और 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ठीक है, ये आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2/3। ठीक है, ये हो गया 1 और यहाँ पे आ गया 2/3। अभी ये डिवीजन में वैल्यू है ना, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में क्या है, रेशियो है, तो यहाँ पे ये डिवीजन वाला वैल्यू आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, तो आपको एक्चुअल रेशियो कितना मिलेगा, 3:2 मिलेगा। किसका रेशियो होगा वो, टाइम का। अभी बताओ 3 और 2 में से आपको किसका वैल्यू पता है, किसी एक का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, 3 का दिया है, 3 का। देखो 15 मंथ्स यहाँ पे क्लियरली बोला, ये जो टाइम मतलब क्या, मंथ्स ही है ना, टाइम मतलब मंथ्स का वैल्यू है, तो मंथ्स आपको दिया है ना, एक का, एक कंट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ्स, मतलब एक का वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है। 3 का वैल्यू अगर 15 है तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, 2 का, मतलब बी का वैल्यू चाहिए, बी का जो मनी है कितने टाइम के लिए यूज हुआ उन्होंने बोला है, तो 2 का वैल्यू चाहिए, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 × 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 2 10 मंथ्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मंथ्स। मैम वो वाला वापस बताओ ना, प्रॉफिट वाला, ये प्रॉफिट वाला,
देखो बी ने रिसीव किया है 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट को हम 3 अज्यूम करेंगे, जैसे यहाँ पे किया मैंने, जैसे कैपिटल में किया था 4 अज्यूम, वहां पे वैसे ही टोटल कैपिटल को, टोटल प्रॉफिट को 3 अज्यूम करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट के यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट होगा 3, लेकिन बी ने कितना रिसीव किया है 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, तो वही 2 मैंने यहाँ पे बी के वैल्यू, बी की जगह पे लिखा, क्योंकि बी ने रिसीव किया है 2/3 ऑफ द कैपिटल, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों का एडिशन 4 हुआ था वैसे यहाँ पे 3 आएगा, समझा, और उसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा 1 और 3 कैसे लिया, 1 और 3, ये वाला 1 और 3, नहीं ये वाला नीचे, हाँ, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, समझा, प्रॉफिट, ये तो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला हाँ. मैंने यूज किया, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैपिटल किया, कैपिटल कितना है 1 और ये आएगा 3, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने बोलिया जब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल करते तब हमें टाइम का रेशियो मिलता है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सबको लिख के दिया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो ही फॉर्मूला है, हाँ, और किसी को डाउट है इसमें बोलो, मैम चैट बॉक्स में इसे तो भेजिए, 3:2, अच्छा 3:2, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1, 2/3, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, 2/3 का तो एज इट इज 2/3 आएगा, ठीक है, 1 और यहाँ पे कितना आया 2/3, ये रेशियो आया, लेकिन रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है और पॉइंट में भी नहीं होता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये डिविजन में 3 है, यहाँ पे लेंगे हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो डिविजन में है ना, हम यहाँ पे ले सकते हैं जब बीच में रेशियो होगा, तो 3 हाँ हो सकता है, हो सकता है जब बीच में रेशियो होगा तभी हो सकता है, ठीक है, तभी हो सकता है, बीच में रेशियो का साइन होगा तब तभी कर सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं हम 3:1, 3 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, चलेगा, अगर यहाँ पे भी फ्रैक्शन में होता ना 5, अगर सपोज करो 5 होता तो हम 5 यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे 3 लिख देते, ठीक है, वैसे भी चलता है, वैसे रॉन्ग नहीं है, समझा मैम, मुझे ना 3 और 15 और 2 है ना, वो कैसे आया मैंने समझा, क्या 3 15 और 2, हाँ मेरे को 8 और 9 आ रहा है, 8:9 के बदले 8:9 आ रहा है, यहाँ पे 8:9 आ रहा है, कैसे आया वो, इसके पहले क्या किया आपने, मैम क्या किया, अपना रेशियो लिया, सो 1/4 और 1/3 को लिया और 3/4 और 2/3 को लिया, फिर जैसे वो बेसिक मैथ में वो डिवीजन का वो ऑपोजिट करके उसको रेसिप्रोकल करके जो आंसर आता था ना वैसे किया, लेकिन कैपिटल का रेशियो आपने क्या लिया था स्टार्टिंग में, 1 ए और बी का रेशियो कैपिटल का कितना लिया, 1:4 1:3 लिया, ठीक है, और प्रॉफिट का कितना है आपका, 3:4 और 2:3 जो था वही, 3:4 नहीं, 3:4 था सर आपका, अगर कैपिटल का रेशियो 1:3 है तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो 1:2 ही आना चाहिए, क्योंकि बी ने देखो कितना रिसीव किया है 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट अगर 3 है तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, इनटू 2/3 करेंगे आप, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा 2 आएगा ना, तो 2 वैल्यू किसका आएगा, बी ने रिसीव किया तो बी के यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ना, अगर टोटल प्रॉफिट 3 है और यहाँ पे 2 आ रहा है बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना हुआ, 4 हुआ, समझा, ये डिवीजन में जो दिया होता है ना, जिसके बारे में दिया होता है वही वैल्यू होता है, जैसे प्रॉफिट का 2 वैल्यू किसका है, बी का है, तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे प्रॉफिट टोटल है,
यहाँ में क्या क्या इंक्लूड होगा, ए प्लस बी का प्रॉफिट। वैसे ये जो फोर है उसमें क्या इंक्लूड होगा, ए प्लस बी का कैपिटल। समझा मैम? आया मैम, क्या किया था मैंने, रेशियो इसका क्या है ये, जो बी का रेशियो है वो वैसा लिया, और जो कैपिटल का रेशियो उसमें 1:3 और 1:4 जो जैसे रेशियो वैसे लेने का था ना, आपने कैसे वो कैंसिल करके लिया, तो मैंने वो उसकी जगह से 1 ही लिया और इधर दोनों के दोनों रेशियो लिए, तो इसलिए वो मैच नहीं हुआ। अभी आया आपका 10 मंथ्स। मैम मुझे ये इसका कैलकुलेशन बताइए ना, 1/1 और 2/3 जो आपने कैलकुलेट करके 1:2 लाया ना, इसका कैलकुलेशन बताइए ना। 3:2 मतलब 3:2 ना, 1/1 और 2/3 ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, मतलब इसके नीचे का प्रश्न। अच्छा 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा ठीक है। 2/3 एज इट इज मैंने लिखा 2/3 ठीक है, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2/3 ठीक है, और बीच में क्या है, रेशियो है। तो ये जो डिविजन में वैल्यू है ना वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3:1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, हमारे रेशियो मिल गया। वो डिविजन में है ना तो हम ये साइड में ले सकते हैं ठीक है, जब बीच में रेशियो होगा। समझा? बोलो मैम। हाँ बोलो मैम। हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्या, लाइक 15 डायरेक्ट 2/3 कर लेंगे तो भी आंसर हमारा 10 ही आ रहा है। 15 2/3। हाँ मैम। जो 2/3 है वो आपने यहाँ से लिया, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट से लिया, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ नहीं, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं ले सकते। वैसे अभी आया लेकिन हमेशा नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये आपको रेशियो डिवाइड करना ही पड़ेगा। वो 2/3 है वो अलग है और ये वाला 2/3 अलग है ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं मंथ से, इसलिए ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं आएगा। मैम 3:2 आने के बाद क्या करेंगे हम उसके आगे? ठीक है 3:2 आया ना, इसमें से देखो ये किसका रेशियो है, टाइम का मतलब मंथ का रेशियो है ना, मंथ का रेशियो 3:2 आया है ठीक है। अभी ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 2, इसमें से हमें मंथ दिया है 15। किसका दिया है, ए का, ए का मंथ 15 दिया है ना, मतलब ये जो 3 है उसका वैल्यू दिया है 15, तो हमें किसका वैल्यू पूछा है, बी का। समझा? चलो रफ कर दूं ये सबका हो गया लिख के। मैम ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये प्री में आएगा या मेन? ये तो प्रीलिम्स में ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:6:8
कैपिटल का रेशियो दिया आपको, ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ वन ईयर दे डिवाइडेड द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12 फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड their capital. ठीक है, जैसे टाइम का फॉर्मूला आपने यूज किया था वहां पे भी यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा. टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल. और आपको कैपिटल का रेशियो दिया है, प्रॉफिट का भी रेशियो दिया है, और आपको किसका रेशियो पूछा है, टाइम का. मैम ऐसा 1:1:2 फिर 3:1:2 मैम 2:3:1 क्या है आपका, फिर से बताओ. 1:1:2:3:2 नहीं, वो एलसीएम यूज नहीं होगा. आपको ऐसे वैल्यू से उस सब तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा जिससे नीचे जो वैल्यूज है वो कट हो जाए. 2:2:3 फिर से बोलो, वेरी गुड अंशिका. 2:1:3 है क्या? वेरी गुड ओमकार, सही है. 2:1:3 आना चाहिए सबका. वेरी गुड कोमल. वेरी गुड खुशबू, सही है. Yes, ma'am. 2:1:3 Very good, Bhumi. मैम 2:1:3 वेरी गुड, सही है. और बाकी सबका बताओ. वेरी गुड रम्या, सही है.
वेरी गुड प्रिंसी. और बाकी सबका बताओ, और किसी का आया? चलो यहाँ पे आएगा ए बी सी, ए बी एंड सी. ठीक है, टाइम का रेशियो चाहिए आपको. ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे? प्रॉफिट लिख दो, डायरेक्टली लिख दो प्रॉफिट. प्रॉफिट का रेशियो कितना है? ये देखो, प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया है 5, 3 and 12. तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 और उसके बाद आएगा 12. डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. कैपिटल का रेशियो देखो कितना आया, कैपिटल का रेशियो 5, 6, 8. तो यहाँ पे डिवाइड क्या होगा? 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 8. मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल. तो आपको किसका रेशियो मिलेगा? टाइम का. ठीक है, अभी ये डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होगा, 1 लिख दो यहाँ पे. 3 into 1 होगा 3 एंड 3 into 2 हो जाएगा 6. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 आएगा. और यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड होगा, 4 into 3 होगा 12 एंड 4 into 2 हो जाएगा 8. तो यहाँ पे आएगा 3 divided by 2. अभी देखो नीचे यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होता है. ठीक है, 1/1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, कि जिससे ये नीचे वाला दिख रहा है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जो भी वैल्यू है ना सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो ऐसा मल्टीप्लाई लो जो कट हो जाएगा. जैसे 2 लोगे ना यहाँ पे, हर एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा सब. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे. अभी यहाँ पे 1/1 1 हो जाएगा, 2 into 1 कितना होगा? 2. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल होगा, क्योंकि बीच में है मल्टीप्लीकेशन और ये डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा. 2 और 2 फिर से कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बाकी होगा? 3. तो ये 3 आपको लिखना है यहाँ पे, 2:1:3 हो जाएगा. ए बी एंड सी का टाइम का रेशो, टाइम का रेशो पूछा था आपको, यहाँ पे देखो टाइम, तो टाइम का रेशो आ जाएगा 2:1:3. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? मैम आपने 1:2 upon 1:2 ऐसा क्यों नहीं किया? 1:2 divided by 1:2 फिर से. हाँ. ऐसे क्यों करेंगे हम? यहाँ पे 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर से डिवाइड क्यों करेंगे? 1:2 divided by 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, मतलब कुछ रीजन है उसका? रीजन देखो, आप 6 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 से कर सकते हो, 6 से, बस हमें ये देखना है, ये जो नीचे वैल्यूज दिख रहा है आपको वो बस कैंसिल होना चाहिए, ऐसा वैल्यू लेना है. अगर आप 4 भी लेते हो तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको 2 से वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी कोई गलत नहीं है. 4 लोगे, 6 लोगे, लेकिन ऐसा लो जो तीनों के टेबल में आता हो. ठीक है, ऐसा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली. तो आपको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, हाँ, ये नीचे का वैल्यू कट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेशियो होना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज में होना चाहिए. इसीलिए ये सब फ्रैक्शन दिख रहा है, वो कैंसिल करने के लिए ये मल्टीप्लाई किया. ओके ओके मैम. ठीक है, तो कोई भी एक को अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करे, और यहाँ पे रेशियो है ना तीनों का तीनों, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब जगह पे करना पड़ेगा. हाँ बोलो मैम, आपने बोला था लास्ट वाले सम में अगर डिवाइड में कुछ है तो वो फर्स्ट वाले से इंक्लूड हो जाएगा ना, जैसे कि 1/2 लास्ट सम में आपने बताया था, हाँ, तो उसको हमने ए से इंक्लूड कर दिया था, तो डिवाइड बाय 3 था, उसको इंटू 1 कर दिया था. तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है तो इसको 1 से इंटू नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटू 3 नहीं, जैसे कि अभी 1/1 है, इस टू 1/2 है, इस टू 3/2 है. हाँ हाँ, तो जो ये 2 है नीचे जो डिवाइड वाला 2 है डिवीजन में, हाँ, इसको हम डायरेक्ट ए से इंटू नहीं कर सकते 1 से, मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अच्छा,
देखो कर सकते हो आप, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तीन है ना, तीन है ना, वहां पे दो ही था तो वैसा कर सकते, रॉन्ग नहीं है उसमें भी, वहां पे दो था तो डायरेक्टली देखो वन टू बाय, यहाँ पे वन बाय टू है और यहाँ पे है थ्री, तो यहाँ पे क्या करोगे, थ्री इंटू टू करोगे तो चलेगा क्योंकि रेशियो है, और यहाँ पे वन ही है ना, ये वाला टू कहाँ पे लेके जाओगे, ये वन कहाँ पे लेके जाओगे, ये टू कहाँ पे लेके जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, नीचे जो वैल्यू है ना, नीचे में से एक वैल्यू देखो ऐसा कि जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, ऐसे देखो, ऐसे करोगे तो रॉन्ग नहीं है, ऐसे तो मैंने ही बोला है और ये रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें दो ही वैल्यूज था ना, दो ही रेशियो था, यहाँ पे तीन है ना, इसीलिए मैंने क्या किया ऐसा वैल्यू लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई वैसे भी करोगे तो वैसे देखो टू 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 कैंसिल हो जाएगा, वही रेशियो वापस आ जाएगा, वही रेशियो वापस आ जाएगा जैसे जो जो था वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे तीन है इसीलिए मैंने नहीं किया, इसीलिए तो, नहीं तो मैं बोलती डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तीन वैल्यू है ना, तो वैसे करने पे 2:2:3 आ रहा है तो रॉन्ग हो जा रहा है ना। हाँ रॉन्ग होगा ही ना वहाँ पे। अभी आप बताओ ये वाला टू आप यहाँ पे लेके जाओगे या ये वाला टू यहाँ पे लेके जाओगे, ये वाला टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वो समझेगा ही नहीं ना हमें। हाँ इसीलिए रॉन्ग ही आएगा उस टाइम पे, रॉन्ग आएगा ऐसे करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यूज था, यहाँ पे तीन था ना, आपको कैसे समझेगा कि ये टू कहाँ पे लेके जाना है, वहां पे दो वैल्यूज था तो ऐसे करोगे तो चलेगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे तीन है ना, तीन के टाइम पे ऐसे मत करो, तीन के टाइम पे आप ऐसा, वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो एक लेके जाएंगे दूसरा बच जाएगा। हाँ इसीलिए नहीं किया मैंने, नहीं तो यही मेथड में यहाँ पे कर देती, अगर ऐसा होता तो मैं सेम मेथड यहाँ पे कर देती, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, वैसे तीन है ना, कौन सा वैल्यू हमें कैसे समझेगा कहाँ पे लेके जाना, इसीलिए नहीं किया, ठीक है। आप भी वैसे मत करो, जब दो वैल्यूज होगा डायरेक्टली लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तीन के टाइम पे कौन सा वैल्यू कहाँ पे लेके जाओगे, इसीलिए मैंने ये क्या किया कि ऐसा, मैंने इसीलिए बोला कि ऐसा वैल्यू ढूंढो जिससे तीनों का तीनों नीचे जो है ना कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ लो तीन होता, ठीक है, यहाँ पे होता थ्री, यहाँ पे होता टू, यहाँ पे होता टू, तो हम कौन सा वैल्यू लेते, हम लेते सिक्स, सिक्स से सब डिवाइड होगा, थ्री से सिक्स डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, हमें बस नीचे का कैंसिल करना है, इसीलिए मैंने ऐसा वैल्यू बोला लेने को, ठीक है। ऐसे नीचे का कैंसिल करने के लिए हम ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे दोनों सबसे वो कैंसिल हो जाए। हाँ 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 सही सही। और किसी को डाउट है इसमें? हाँ मैम ये टू का मेरे को नहीं समझ, मतलब आपने टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, टू से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे ये नीचे मतलब, जो है ना नीचे, हाँ बोलो बोलो, मतलब जो डिवीजन में रहता है जो डिजिट रहता है उससे डिवाइड करने का रहता है क्या? ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमारा नॉर्मल रेशियो है, हमारा रेशियो फ्रैक्शन में है ना, ये डिवीजन में दिख रहा है आपको, ये ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा रेशियो नहीं होता है कभी, हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल रेशियो चाहिए, ठीक है। ये वाला कन्वर्ट इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप अगर टू से नहीं कर रहे हो ना, आप फोर से करोगे तो भी चलेगा, फोर से करके देखते, चलो फोर से करके देखते यहाँ पे कितना आएगा, देख यहाँ पे कितना आएगा, फोर से करेंगे तो फोर आ जाएगा, ये वन वन कैंसिल, यहाँ पे आएगा फोर, ठीक है। यहाँ पे करो टू इंटू टू हो जाएगा फोर, टू इंटू वन कितना होगा टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोर से करो टू इंटू टू हो जाएगा फोर, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा। अभी देखो फिर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा था, यहाँ पे टू से डिवाइड हो रहा है, टू इंटू टू फोर, टू इंटू वन टू एंड टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा, टू इज टू वन इज टू थ्री, फिर से वही रेशियो आया। सिक्स से करके देखो, सिक्स से करते चलो, यहाँ पे कितना आएगा, सिक्स इंटू वन सिक्स आ जाएगा, लिख दो सिक्स, यहाँ पे कितना आएगा, टू इंटू थ्री होता है सिक्स, ठीक है, यहाँ पे थ्री इंटू वन थ्री आ जाएगा, यहाँ पे देखो टू इंटू थ्री होगा सिक्स, थ्री इंटू थ्री कितना होगा नाइन। अभी यहाँ पे देखो तीनों का तीनों थ्री से डिवाइड हो रहा है, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू वन थ्री एंड थ्री इंटू थ्री नाइन, आ गया सेम रेशियो टू इज टू वन इज टू थ्री, ठीक है। रॉन्ग नहीं होगा, फोर से बस हमें कैंसल करना है नीचे का वैल्यू, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे का वैल्यू कैंसल, हमें तो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए ना, ये सब फ्रैक्शन में है, हमें नॉर्मल रेशियो चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई किया,
जिससे डायरेक्टली कैंसिल हो, तो आप किसी से भी कर सकते हो, बस ये देखना है जो नीचे लिया है वैल्यू, जो नीचे भी वैल्यू है कोई भी हो वो बस उसके टेबल में होना चाहिए, उनके टेबल में ये वाला जो वैल्यू लोगे आप वो होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू लो चलेगा, कोई भी लो, ऐसा नहीं कि टू ही आना चाहिए, कोई भी वैल्यू लो, बस नीचे का वैल्यू कैंसिल होना चाहिए, आपका रेशियो लास्ट में सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। समझा सबको अभी ये बोलो, किसी को डाउट है? चलो इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये, इसके बाद आपका चैरिटी वाला क्वेश्चंस की बाकी है, चैरिटी वाला जो मतलब दो पार्टनर्स होते हैं उसमें से कोई प्रॉफिट हो गया चैरिटी को दे दिया, या तो पार्टनर को सैलरी अलग से मिलता है, वो वाला बाकी है, बाकी सब हुआ है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, वो तो उसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, तो वो बाद में ले लेंगे, ठीक है, बाद में मैं बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके मैम, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, बाय मैडम, बाय बाय, चलो बाय मैम, बाय अंशुल, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय 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 निकिता, बाय भूमि, बाय। Thank you.